युवाओं को नशे जैसी कुसंगतियों से दूर रखने व युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट सोलन द्वारा नए जिम वॉरियर फैक्ट्री की स्थापना की गई। सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जिम का वन एवं खेल मंत्री गोविंद राम ठाकुर द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने शॉल व टोपी पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिम में लगी मशीनों का मुआयना किया। संस्था के सदस्यों द्वारा जिम में उपलब्ध सेवाओं के बारे में सभी को अवगत करवाया। संस्था के प्रधान संजय जसवाल ने बताया कि जिम में सभी तरह की आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिम में महिलाओं व लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए विशेष कराटे जूडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, जिससे उनका जीवन खोखला होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को खेल व अपने शरीर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास दोनों होंगे और वह चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसे संस्थानों का जगह जगह पर खुलना आवश्यक है, जिससे आज की युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के लिए सरकार द्वारा नई पॉलिसी लाई जाएगी। द वॉरियर फैक्ट्री नाम भी उन्होंने अच्छा रखा है, और ऐसे संस्थान अगर जगह जगह पर खुलते हैं तो इसका निश्चित रूप से सबको लाभ मिलने वाला है। नशे का तो है ही है कि उसके से निजात मिल जाती है, लेकिन दूसरी और कई चीज़ों में, और जो भी बच्चा यानी अच्छा खेलता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको आप देखें कि वो जिंदगी के हर फील्ड में आगे होता है, और इसलिए वो चाहे पढ़ाई की फील्ड है चाहे कोई और फील्ड है, हर फील्ड में आगे रहता है, और इसलिए बहुत अच्छी बात है। और खेल मंत्री होने के नाते मेरा ये कहना है कि भाई सरकार तो खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारे ऐसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने कर रहे हैं और उनको भी अगर लगता है सरकार की ओर से कोई मदद करनी, तो उस पर भी हम पॉलिसी बनाने का विचार कर रहे हैं।